बड़े बड़े स्कूल्स भी है जिनका स्पेशल सेक्शन होता था, उनके पास भी कोई एक रेगुलर करिकुलम नहीं था इन बच्चों के लिए। किसी का बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो पेरेंट्स को लगता है कि उनके लिए कोई डिफरेंट स्कूल है। स्कूल का फोकस है वो 40 बच्चे जो क्लास में बैठते हैं, स्कूल का फोकस वो स्पेशल बच्चा नहीं है जो 40 बच्चों के बीच में बैठता है। शिक्षा उन मुद्दों में से एक है जिसने देश की राजधानी दिल्ली की बागडोर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के हाथ में थमा दी। एक सच यह भी है कि अगर हम एक खास वर्ग के बच्चों के भविष्य की ओर देखें तो हमें देश में शिक्षा का भविष्य उतना उज्जवल नहीं लगेगा जितना कि अभी दिखाई दे रहा है। बात करें निशक्त जन यानी कि डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड की तो यह तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। द लास्ट स्ट्रॉ वाज जब मैं किसी एक प्रिंसिपल से मिलने गई और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने जब उनसे कहा कि कुछ इनके लिए कुछ डांस क्लासेस या इस तरीके के एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस होने चाहिए, तो उन्होंने मेरे से कहा कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये सेंटेंस मेरे से बोला कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त मुझे लगा कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो उसको किसी भी स्कूल में भेजना या स्कूल में भेजना बिल्कुल ही बेकार है, मुझे अपना ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन 14 सितंबर 2019 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट को देखें तो उसमें डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स का 86% भाग खाली था। अगर आप देखो सेरेब्रल पैल्सी में फिजिकल डिसेबिलिटी भी है तो कहाँ है आपके पास रैम्स? क्या आपका स्कूल एक्सेसिबल है? क्या आपके स्कूल के अंदर व्हीलचेयर जा सकता है? मेन चैलेंज हमारे सामने ये है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर डिफरेंटली एबल्ड बंदे भी है तो उनके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता भी कि हम नॉर्मल स्कूल में जाके हम उस कैटेगरी के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। देखिए हर एडमिशन प्रोसेस में उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने का प्रोसेस ही इतना ज्यादा कुंबरसम और इतना डिफिकल्ट है। ये गवर्नमेंट अगर इसको स्ट्रीमलाइन कर दे कि हम आपके घर में जाके सर्टिफिकेट इशू कराएंगे या हमारा जो पैनल है वो जाके आपके घर में इशू कराएगा, तो आप देखेंगे एडमिशन कितना बढ़ जाएगा, ओवरनाइट एडमिशंस में इंक्रीज हो जाएगा। स्पेशली जो ट्यूटर हायर किए जा रहे हैं वो स्पेशली इसी काम के लिए किए जा रहे हैं, वो ट्यूटर उन्हीं बच्चों के लिए रखे जा रहे हैं, तो उनका मेन कंसर्न मेन ड्यूटी उन बच्चों को टेक केयर करना है रादर देन नॉर्मल चाइल्ड। उनके लिए तो और भी ट्यूटर्स है। जो बच्चा है वो अभी भी अलग ही बैठा हुआ है पर वो अब एक अटेंडेंट के साथ क्लास में बैठा हुआ है या अपने माँ के साथ बैठा हुआ है। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर माँ के साथ ही बैठना है तो वो घर पे ही बैठे, स्कूल में आने की क्या जरूरत है? स्कूल वालों की तरफ से जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए बच्चे को वो नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब अगर जनरली ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। ट्यूटर स्कूल मतलब आपकी नजर में ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रीमिसेस में वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पांसिबिलिटी है, और अगर उनके पेरेंट्स लेने आ रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो अपने बच्चे का टेक केयर कर रहे हैं और स्कूल के बाद उनका रिस्पांसिबिलिटी है उसको लेके जाना और लेके आने का। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए रिजर्व 25% सीट में से 3% सीट्स डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड को दे दी गई। तो ये जो सिस्टम ऑफ इंक्लूजन है मुझे नहीं लगता ये कोई सोचा समझा एफर्ट है। हाँ शायद इंटेंशन अच्छी है पर इंटेंशन के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि ये किस तरीके से चीज लागू हो सकती है स्कूलों के अंदर। खाली 5 या 10 या 15 बच्चों का दाखिला स्कूलों के अंदर कर देने से नहीं चलेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये अब 3% कोटा दे दिया गया है। तो अब पहला तो हमारा चैलेंज उसी को फिल करने का है। टीचर्स का एक जो बहुत एफर्ट होना चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एफर्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, राइट? क्योंकि जो बच्चों का एडमिशन हुआ भी है, जैसे हाल ही में एक बच्चे का यहीं पे एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ था पर विद इन 2 ईयर्स स्कूल वालों ने बोल दिया कि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, आप इसको प्लीज निकाल लीजिए बिकॉज काफी चेंजेस है। देखिए इंडिया में या आप किसी भी कंट्री में बात करें तो अगर लॉ आ जाता है तो फिर मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए भी। पहले हम एज अ सोशल कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ये होना चाहिए था बट नहीं था, बट जब लॉ आ चुका है तो इसमें मैंडेटरी है हर स्कूल के लिए। खाली लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा और सेकेंडली इस लॉ को सर्कमेंट करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। जैसे अगर कोई आपके पास ऑडिट होगा तो आप दिखा सकते हो कि आपके पास 4 स्पेशल एजुकेटर्स है, उस दिन या उससे पहले दिन आप 3 लोगों को बुला के उनको कुछ पैसे दे के यू कैन शो देम दैट ये हमारे पास एजुकेटर्स है। But there has to be regular checks. कम से कम 4 बच्चों में एक टीचर एक स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 20 बच्चे रखे हुए स्कूल में तो कम से कम आपके पास 5 स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए। हमने दिल्ली के कई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश करी लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी ऑफिसर किसी तरह की टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। मैं काफी MLA से मिली, मैंने कहा आप लोगों का बहुत सारे RWA की बिल्डिंग्स होते हैं, मैंने कहा भैया मुझे कुछ जगह दे दो वहाँ पे। नहीं, NGO को जगह देने का कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है, इनफैक्ट जो जगह है NGO के पास वो भी हम ले रहे हैं। मतलब हमको पहले तो 6 महीने बाद हमको अपॉइंटमेंट मिला,
जब सारा हमने समझा दिया था उनको मेल पे कि हम इसलिए आ रहे हैं कि हमको ऑटिज्म के डिस्कस करना है, बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है, उनका भविष्य क्या होगा, और जब हम वहां गए हमको 10 मिनट टाइम मिला था, मैं मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगी, और 10 मिनट टाइम में हमें उन्हें ऑटिज्म समझाना पड़ा क्योंकि उनको ऑटिज्म क्या है पता ही नहीं है. खाली उनको स्कूल में 12 साल रखने से उनका भविष्य नहीं बन रहा है जब तक हम उनको ऐसा कुछ नहीं सिखाएं जिससे आगे चल के वो सक्षम ना बने. हमारा यहाँ पे एम है कि हमारा बच्चा चलो एटलीस्ट ऐसा कुछ सीखे ताकि उसको 2000-4000 जो भी कुछ सैलरी मिले. सच अ सैड पैथेटिक सीन. पर आप मेरे को नाम गिनाइए कि दिल्ली के अंदर कितने रेजिडेंशियल होम्स हैं, कितने होम्स हैं जहाँ पे इन बच्चों को रखा जाता है माँ बाप के मरने के बाद. लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद इन बच्चों का क्या भविष्य है, क्या इन्हें कोई रोजगार मिल पाएगा या फिर ये अपने 12th के बाद कोई पढ़ाई कर पाएंगे. यह सवाल हमारी सरकार के साथ साथ हमारे समाज के सामने भी है. आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा. मॉलटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज.